गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम EVS में चैप्टर 13 करेंगे, एनिमल्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं। ठीक है, चलिए रीड कीजिए। एज वी सी मैनी डिफरेंट plants around us, we can also see many different animals around us. जैसा कि हम देखते हैं हमारे आसपास different plants हैं, ठीक है, अलग अलग type के plants हैं, trees हैं, ठीक है, वैसे ही हमारे आसपास हम देखते हैं कि जो animals हैं वह भी अलग अलग types के मिलते हैं हमें, है ना, दिखते हैं ना, अलग अलग types के होते हैं। ठीक है, एनिमल्स ऑल्सो हैव 5 सेंस ऑर्गन्स लाइक अस, जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन है वैसे ही एनिमल्स के भी होते हैं, है ना, नोज भी होती है, आईज होते हैं, ईयर्स होते हैं, ठीक है, स्किन, टंग, ठीक है ना, ऐसे ही एनिमल्स के भी होते हैं। दे कैन ऑल्सो मूव अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं और जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, एनिमल्स वेरी इन साइज, जो एनिमल्स होते हैं वह साइज में अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, कोई बहुत बिग होता है, कोई स्मॉल होता है, कोई मीडियम होता है, ठीक है, उनका साइज अलग अलग होता है। देखिए जैसे एलिफेंट है ना, डॉग, जिराफ, ये अलग अलग है ना साइज में, किसी का भी साइज एक जैसा नहीं है। एनिमल्स ऑल्सो वेरी इन देयर वे ऑफ मूवमेंट, और उनका चलने का तरीका भी अलग अलग होता है ना, कोई ऐसे जैसे स्नेक है यहाँ पर, ठीक है, स्नेक यह कैसे चलता है, रिगल्स यानी कि रेंकर, है ना, और अब बर्ड, एक बर्ड फ्लाइज, बर्ड क्या करता है, उड़ता है, ठीक है। अब देखिए लैंड एनिमल, लैंड एनिमल कौन से होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट एरियाज, जो डिफरेंट एनिमल अलग अलग टाइप के एनिमल अलग अलग एरिया में रहते हैं। एनिमल्स लाइक ज़ेब्रास, एलिफेंट्स, वियर्स, लायंस, डियर, ETC लिव ऑन लैंड, दे आर सीन इन द फॉरेस्ट और इन द जू, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं जैसे लॉयन है, बियर्स है, डियर है, एलिफेंट्स, जेब्राज, ये सब कहाँ रहते हैं, जमीन पर, ठीक है, और हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये फॉरेस्ट में और जू में, है ना, जंगलों में और चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं, ठीक है, और ये जमीन पर रहते हैं, है ना, कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं, ट्रीज में रहते हैं, ठीक है, कुछ हवा में उड़ने वाले होते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, है ना, तो ये लैंड एनिमल्स हैं, ज़ेब्रा, ठीक है, लायन, बियर, लेपर्ड, राइनोस, ठीक है, वाटर एनिमल्स देखेंगे, वाटर एनिमल्स अभी हमने देखा, लैंड एनिमल, लैंड मीन जो जमीन में रहने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, आप देखेंगे वाटर एनिमल्स यानी कि जो पानी में रहते हैं, ठीक है, फिश लिव इन वाटर, जो फिश है वो कहाँ रहते हैं, पानी में, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, और वो सांस किससे लेते हैं, अपने गिल्स से, जैसे शार्क, व्हेल, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड क्रोकोडाइल्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो क्रोकोडाइल और फ्रॉक्स हैं वह जमीन में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है, लैंड एंड इन वाटर, और पानी में भी रह सकते हैं। अब है बर्ड्स, बर्ड्स तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं बर्ड्स, पक्षियाँ, ठीक है, एनिमल्स विथ फैदर्स आर
कॉल्ड बर्ड्स। जो एनिमल्स, जिन एनिमल्स पे क्या होते हैं फैदर्स मीन पंख, जिनके क्या होते हैं पंख होते हैं, फैदर्स होते हैं, ठीक है, वह बर्ड्स कहलाते हैं। बर्ड्स लाइक ईगल, स्पैरो, कोयल, क्रो, बुलबुल, किंगफिशर, ईटीसी, कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस, दे मेक नेस्ट ऑन ट्रीज। जैसे ये बर्ड्स हैं जिनके नाम है ना, और इसके अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है, कोयल हो गई, क्रो, बुलबुल, किंगफिशर, ठीक है, ये क्या करते हैं बहुत दूर तक उड़ सकते हैं, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि लंबी दूरी तक ये उड़ सकते हैं। और ये अपना नेस्ट कहाँ बनाते हैं, पेड़ों पर, ट्रीज पर, ठीक है, दे मेक नेस्ट ऑन ट्रीज। बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड एम्यू कैन वॉक एंड रन। जो बर्ड्स हैं ये भी एक बर्ड्स हैं, ऑस्ट्रिच एंड एम्यू, ये वॉक कर सकते हैं रन और रन कर सकते हैं, बट ये फ्लाई नहीं कर सकते, ये उड़ नहीं सकते, ठीक है, दे कैन नॉट फ्लाई, बट ये उड़ नहीं सकते हैं, ओनली ये वॉक कर सकते हैं, इनकी चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं। पीकॉक्स एंड हैंस कैन टेक वेरी शॉर्ट फ्लाइट, यानी कि जो हैन है और पीकॉक्स होते हैं वो बहुत कम डिस्टेंस में ही उड़ते हैं, थोड़े से उड़ेंगे और फिर वो रुक जाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके फ्लाई करते हैं ये शॉर्ट डिस्टेंस में, बहुत कम। बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान कैन स्विम इन वाटर, ठीक है, बर्ड्स और जो स्वान होते हैं वो क्या करते हैं पानी में, डक और स्वान पानी में तैरते हैं, ठीक है, ये भी एक तरह से बर्ड्स हैं। अब है इंसेक्ट, ठीक है, इनके छोटे छोटे क्या होते हैं जीव जंतु, ठीक है, कीड़े मकोड़े जिनको बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट। इंसेक्ट्स आर टाइनी कलरफुल क्रिएचर्स, क्या हैं ये, छोटे छोटे कलरफुल इनकी रंग बिरंगे क्रिएचर्स मीन जीव जंतु हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव सिक्स लेग्स, और इसमें से बहुत सारे जो होते हैं उनके सिक्स लेग्स होते हैं, ठीक है, दे हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई, और उनके विंग्स होते हैं और वह फ्लाई भी कर सकते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक सिल्क वॉर्म एंड हनी बीज आर यूजफुल टू अस, वाइल सम लाइक मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई, ETC कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्या होते हैं जो सिल्क वॉर्म है और हनी बीज हैं, ये भी एक इंसेक्ट हैं, बट ये हम लोगों के लिए क्या होते हैं यूजफुल होते हैं, ठीक है, हनी बीज से हमें हनी मिलता है, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, बट जैसे मॉस्किटोज है, हाउस फ्लाई है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, ये हमें क्या करते हैं हेल्थ की प्रॉब्लम देते हैं, यानी कि अगर मॉस्किटो में काट लेते तो हमें मलेरिया डेंगू होने का रिस्क रहता है ना, ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमें डिजीज देते हैं, ठीक है। देखिए लेडी बर्ड दिए, जैसे हनी बी, मॉस्किटो, बीटल, फायरफ्लाई, स्पाइडर, ठीक है, ये सब क्या है इंसेक्ट्स। अब है अर्बोरियल एनिमल्स, सम एनिमल्स लाइक मंकीज, स्क्वायरल्स एंड रकून्स लीव ऑन ट्रीज बट मूव अबाउट ऑन लैंड। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ट्रीज में भी रहते हैं और जमीन पर भी चल फिर सकते हैं, ठीक है, दे कैन कॉल अर्बोरियल एनिमल्स, और इनको हम क्या कहते हैं अर्बोरियल एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है, जो कहाँ चल सकते हैं, जमीन पर भी और पेड़ पर भी जाते हैं ये, जैसे मंकी है ना, ये नीचे भी स्क्वायरल है, रकून्स, ये रकून्स है, ठीक है।
ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? वेरी गुड, आप सबने इसको अच्छे से रीडिंग करना है, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।